नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल स्ट्रीट स्टडी 247 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स फ्रॉम नवंबर 1st टू नवंबर 30th। जितने भी नवंबर मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम इसे एक वीडियो में देख लेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी सारे क्वेश्चन की नॉलेज हो सके। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। फर्स्ट पॉइंट इज़ अरब गल्फ्स फर्स्ट कोल वेस्ट पावर प्लांट। तो अरब गल्फ का सबसे पहला जो कोल वेस्ट पावर प्लांट है वो कहाँ पे लग रहा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दुबई में। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, येस बैंक लॉन्च्ड। तो येस बैंक ने क्या लॉन्च किया रिसेंटली? येस बैंक लॉन्च्ड SMS पे टू इनेबल इट एट POS टर्मिनल्स। विराट कोहली बिकम द फास्टेस्ट टू रीच 20,000 इंटरनेशनल रन। तो विराट कोहली पहले ऐसे प्लेयर बन चुके हैं क्रिकेट में जिन्होंने 20,000 सबसे पहले सबसे तेज रन बनाए हैं। तो सबसे तेज रन में विराट कोहली सबसे पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। तो फास्टेस्ट याद रखना, फास्टेस्ट हैं विराट कोहली जी। नेक्स्ट इज कैम्ब्रिज डिक्शनरीज वर्ड ऑफ ईयर 2020 इज क्वारंटीन। तो आपने सुना होगा बहुत बार क्वारंटीन न्यूज़ में भी रहता है, ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर भी है। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट इज फीफा रैंकिंग। जो फीफा की रैंकिंग लेटेस्ट है इसमें इंडिया का 104 रैंक है। नेक्स्ट इज हरपाल सिंह अपॉइंटेड एज इंजीनियर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हरपाल सिंह क्या बने हैं इंडियन आर्मी के? तो ये बने हैं इंजीनियर इन चीफ। नेक्स्ट पॉइंट इज न्यू ICC चेयरमैन। तो ICC के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये हैं फ्रॉम न्यूजीलैंड ग्रेग बार्कले। नेक्स्ट पॉइंट इज चाइना हैज़ रिसेंटली लॉन्च चैंग E5 मिशन टू कलेक्ट ल्यूनर सैंपल्स। तो बेसिकली ये ल्यूनर सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा चैंग E5 मिशन। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व। व्हाई इट इज़ इन न्यूज़? बिकॉज ग्लोबल अवार्ड फॉर डबलिंग टाइगर पॉपुलेशन। तो इसने जीता है ग्लोबल अवार्ड फॉर डबलिंग टाइगर पॉपुलेशन। डेली क्राइम बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड मिला है इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिया टू होस्ट G20 समिट। तो भारत होस्ट करेगा G20 समिट इन 2023। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिया सिंगापुर मेरीटाइम एक्सरसाइज सिम्बैक्स है इसका नाम बेसिकली। ये कहाँ पर हुई? ये रिसेंटली हुई अंडेमान सी में। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं इंडिया टू होस्ट G20 समिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन 2023। मलेशिया 2020 एपेक्स समिट, ठीक है, ऑर्गेनाइज किसने करवाया? 2020 का जो एपेक्स समिट है वो ऑर्गेनाइज करवाया है मलेशिया ने। मलेशिया की कैपिटल आपको याद रखनी है कुआलालंपुर। नेक्स्ट पॉइंट इज इसरो के चेयरमैन जो है के सिवान जी, दे हैव वन द डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनरेरी डायरेक्टरेट। तो ये उनको बेसिकली डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनरेरी डॉक्टरेट का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट को हॉस्पिटल ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो पहला गौ के लिए हॉस्पिटल स्पेशल खुला है, इसमें गौ की रक्षा की जाएगी, जो भी गौ से रिलेटेड उनकी बीमारियां होंगी यहाँ पे रोकथाम होगी। तो ये खुला है नॉर्थ ईस्ट का असम में। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पीएम मोदी। तो पीएम मोदी ने रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं कहाँ पे? इन रिसेंटली नहीं, उत्तर प्रदेश। बेसिकली ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है सिटमैक्स। तो आप यहाँ से नाम देख सकते हो, सिट से सिंगापुर, ठीक है, आई एस से सिंगापुर, इंडिया से आई से इंडिया और टी से थाईलैंड। तो सिटमैक्स इसका नाम। ये कहाँ पे हुई? अंडेमान सी में। नेक्स्ट पॉइंट इज 15th G20 समिट। तो रिसेंटली 15th G20 समिट हुआ, ये कहाँ हुआ? सऊदी अरेबिया में, जिसकी चेयरमैनशिप करी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज आदित्य विक्रम बिरला काला शिखर पुरस्कार। तो किसको दिया गया ये? ये दिया गया नसीरुद्दीन शाह को। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आदित्य विक्रम बिरला कला शिक्षा पुरस्कार किसको दिया गया है? काला शिखर पुरस्कार दिया गया है नसीरुद्दीन शाह। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं इंडियाज़ फर्स्ट मॉस गार्डन। तो ये कहाँ पे है? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट पॉइंट इज स्कॉटिश ऑथर जिनको 2020 का बुकर प्राइज़ मिला है, डगलस स्टुअर्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉर्थ पुलिस स्टेशन रिसीव्ड ISO सर्टिफिकेशन। तो कहाँ का ये? तो ISO सर्टिफिकेशन मिली है कोहिमा के नॉर्थ पुलिस स्टेशन को। कोहिमा किसकी कैपिटल है? नागालैंड की। नेक्स्ट पॉइंट इज मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च कौ कैबिनेट। तो पहली कौ कैबिनेट किसने लॉन्च करी है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। प्रोटेक्शन ऑफ गौ यहाँ पे होगी कौ कैबिनेट में, या फिर इसको गौ कैबिनेट भी बोला जाएगा। इसके अलावा जो गांव के लिए हॉस्पिटल खोला है वो कहाँ पे खुला है? वो खुला है असम में। इंडियाज परम सिद्धि 63rd इन मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स। नोवाक जोकोविक क्यों फेमस है, क्यों चर्चाओं में? दे हैव वन द ATP ईयर एंड नंबर 1 ट्रॉफी। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज 2020। ये किसको मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सादित रहमान जी को। नेक्स्ट पॉइंट इज F1 टर्किश ग्रैंड प्री 2020 किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन ने। नेक्स्ट पॉइंट इज, तो नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करने से पहले यही करना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, पहला आइकन को भी साथ में प्रेस कर लें, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो ज्वाइन बटन पे जो आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलेगा उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। नेक्स्ट पॉइंट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रैम लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन लॉन्च्ड इन वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट पॉइंट इज लोनर लेक चोजन एज
रामसर साइट। तो ये कहाँ पे है, तो ये आपको बताना है, ये बेसिकली है इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट पॉइंट इज वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो किससे रिलेटेड थी इस बार, वीमेन से रिलेटेड थी। नेक्स्ट पॉइंट इज मोबाइल ऐप बेसिकली लॉन्च करी है स्वेच्छा समाधान, किस स्टेट ने, उड़ीसा ने। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, नेशनल वाटर अवार्ड्स का बेस्ट स्टेट किसको मिला, तमिलनाडु को। नेक्स्ट पॉइंट इज टॉप्ड एडल गिफ्ट हुरून इंडिया फिलेंथ्रोफी लिस्ट 2020, किन्होंने ड्रॉप किया है इसमें, अजीम प्रेम जी ने। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, रस्किन बॉन्ड टाटा लिटरेचर अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 किसको मिला है, ये मिला रस्किन बॉन्ड को मिला है टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज असम, असम का जो बेसिकली तेजपुर लीची है इसको GI टैग मिला है रिसेंटली। नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रीज लॉन्गेस्ट मोटरेबल सिंगल लेन ब्रिज कहाँ खुला है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट पॉइंट इज केरला गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम लॉन्च करी है फिशर फोक के लिए, तो ये है परिवर्तनम। नेक्स्ट पॉइंट इज विदिशा मेहत्रा, तो ये कौन है, दे हैव बीन इलेक्टेड टू UN एडवाइजरी कमेटी। नेक्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट सोलर बेस्ड पावर सप्लाई प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया, तो पहला सोलर बेस्ड पावर सप्लाई प्रोजेक्ट कहाँ पे लॉन्च हुआ है, इट इज़ लॉन्च्ड इन आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, पेरिस मास्टर 2020 के विनर कौन है, तो ये हैं डैनियल मेडवेडेव। ये कहाँ से हैं बेसिकली, ये बेसिकली हैं रशिया से। प्रेजिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया मणिपुर से हैं ये बेसिकली, ज्ञानेंद्र निन गोम्बम, जैसे आप ऐसे भी जा सकते हैं GN, दैट इज ज्ञानेंद्र निन गोम्बम। देहरादून म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ, तो बेसिकली ये उत्तराखंड का आप कह सकते हैं, ये देहरादून कहाँ पे आता है, उत्तराखंड की बेसिकली आपको कैपिटल है। नेक्स्ट पॉइंट इज इसके अलावा आपको पता होगा उत्तराखंड की दूसरी कैपिटल भी रिसेंटली बनी थी, कौन सी बनी थी, गैरसेन। नेक्स्ट पॉइंट इज NDDB चेयरमैन, दैट इज नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन जो इलेक्टेड हुए हैं रिसेंटली फॉर IDF, उनका नाम क्या है, दिलीप रट। नेक्स्ट पॉइंट इज JC डैनियल अवार्ड हरिहरन जी को मिला है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रहलाद सिंह पटेल इनोग्रेटेड टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर। नेक्स्ट पॉइंट इज बांग्लादेश एंड US लॉन्च जॉइंट नेवल एक्सरसाइज, को क्या नाम है, कैरेट बांग्लादेश 2020, तो किसने लॉन्च करी है, बांग्लादेश और US ने। फर्स्ट इंडियन ओरिजन मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड, तो कौन है ये, प्रियंका राधाकृष्णन, तो पहले इंडियन ओरिजन के मिनिस्टर हैं न्यूजीलैंड के। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडियाज़ फर्स्ट सोलर पावर्ड मिनिएचर ट्रेन कहाँ लॉन्च हुई है, केरला में। नेक्स्ट इज न्यू चेयरमैन ऑफ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट राजीव जलोता। नेक्स्ट इज PM इंडियाज़ फर्स्ट सी प्लेन सर्विस, तो प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया की फर्स्ट सी प्लेन सर्विस कहाँ लॉन्च करी है, तो भारत की पहली सी प्लेन सर्विस लॉन्च हुई है गुजरात में। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडियाज़ फर्स्ट टायर पार्क, तो भारत का पहला टायर पार्क कहाँ बना है, ये बना है वेस्ट बंगाल में। कौ कैबिनेट रिसेंटली हुई MP में, कौ हॉस्पिटल इन असम ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज एजुथाचन पुरस्कारम 2020 किसको नवाजा गया है, इससे इसको नवाजा गया पोल जचारिया को। और अमित पंघाल जी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं, तो अमित पंघाल कौन है, अमित पंघाल इज ए फेमस बॉक्सर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सारे करंट अफेयर्स भी समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल ज्वाइन बटन को ज्वाइन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच।